स्लाइडर से ब्लॉक करा दिया कि वो हट रन हो जाए सर, आपने देखा भी होगा उस दिन पूरा हम भी उधर ही जी उधर पहले सर 10 दिन तक पुलिस वाले जब वो नहीं लगे आप पुलिस की तो चेकिंग हो रही है क्रांति देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अफसाना। फिलहाल मौजूद है सितारगंज। इस टाइम जो है हम मौके वारदात पे हैं यहां पे सितारगंज में, और आपको एक चीज़ बता दें, जो रात घटना हुई थी सड़क दुर्घटना, जिसमें बताया जा रहा है कि दो लोगों की मौके वारदात पे ही तुरंत मृत्यु हो गई थी, बाकी 40 से 45 लोग इस टाइम घायल हैं, उसे भी हम आपको साफ साफ दिखाएंगे स्क्रीन पे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि वो दुर्घटना किस तरीके से हुई थी। आप ये देख सकते हैं, ये मेन चौराहा है, ये बस यहाँ से निकल के जा रही है, लेकिन उस दिन कल रात ये बस रॉन्ग साइड से जा रही थी। मैं अपने सहयोगी से कहूँगी एक बार उस साइड को दिखाएं कि यह बस इस साइड की जगह उस साइड से जा रही थी, और इस टाइम स्टाफ भी यहाँ पे लगा दिया गया है। मौजूदा वारदात पे आप देख सकते हैं कि इस टाइम स्टाफ भी है सड़क दुर्घटना होने के बावजूद, कि आगे से अब उस बस को इस रोड से जाने नहीं दिया जा रहा है। बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से जो है पास नहीं हो रहा है, उसको इस साइड से भेजा जा रहा है, क्योंकि आगे बैरियर लगा दिया गया है। वहाँ से बस बैक होकर आती है और समथिंग 1 किलोमीटर के बाद कट है उसका, इस वजह से यहाँ से भेजा जा रहा है। और एक चीज़ आपको और बताएं कि बताया जा रहा है कि वो जो बस थी, स्कूल के बच्चे थे, स्कूल के टीचरों ने प्राइवेट बस कर रखी थी किच्छा से, नानक माता टूरिस्ट के लिए घूमने जा रहे थे वो लोग। घूम कर जब वापस आ रहे थे, शाम का टाइम था कल, और कल सबसे बड़ी बात की चिल्ड्रंस डे था। कल चिल्ड्रंस डे पे स्कूल के बच्चे नानक मत्ता घूमने गए थे, टूरिस्ट करने गए थे, जिस दौरान वापसी के टाइम उनके साथ एक हादसा हो जाता है, सड़क दुर्घटना, रॉन्ग साइड जाने की वजह से सामने से ट्रक वाला सीधे टक्कर मारता है, जिसमें दो लोगों की वहां तुरंत मृत्यु हो जाती है, बाकी 40 से 45 लोग इस टाइम घायल अवस्था में हॉस्पिटल में हैं। नज़दीकी हॉस्पिटल है यहां सामुदायिक केंद्र सितारगंज, कुछ लोग वहां पर एडमिट हैं, और जो ज़्यादा सीरियस थे उन्हें वहां से रेफ़र कर दिया गया है। और आपको बता दें कि इस टाइम जो है प्रशासन ने पूरा फुल अलर्ट कर रखा है, इस टाइम जो है स्टाफ पूरा खड़ा है यहाँ पे, किसी भी गाड़ियों को यहाँ से पास नहीं हुआ होने दिया जा रहा है, उसे यहाँ से भेजा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं मौके वारदात पे कि किस तरीके से यहाँ पे ये गाड़ियाँ निकल रही हैं, उसके बराबर से वो बाइक निकल रही है, कितनी जगह थी। बाकी हम आपको आगे पूरा हादसा बताएंगे और दिखाएंगे भी साथ ही साथ कि हुआ क्या था। बने रहिए हमारे संसार क्रांति के साथ। ये अभी बस एक्सीडेंट हुआ था सिसैया के पास, उसमें लगभग 51 लोग थे जो सवार थे, जिसमें से हमारे यहाँ से 22 लोगों को रेफ़र कर दिया गया है हायर सेंटर के लिए। दो लोग हमारे पास ब्रॉड डेड आए थे, बाकी बचे हुए हमारे 26-27 लोग को फर्स्ट एड के बाद कुछ को घर भेज दिया गया है। अभी 5-6 लोग हमारे यहाँ भर्ती हैं अस्पताल में। लोग इसमें एक्सपायर हुए हैं, जिसमें एक बच्ची है लगभग 14 साल की, और एक उनकी टीचर है लगभग 35 से 40 साल की। लूडी पुलिस और नगर पालिका के अधिकारी सम्मिलित हुए हैं, और डिस्कशन का पॉइंट यही था कि जो शहर में अतिक्रमण है, अतिक्रमण के कारण जो ट्रैफिक में व्यवधान उत्पन्न होता है, और जो हमारा NH में जो कल एक हादसा हुआ उसके दृष्टिगत भी मीटिंग ली गई थी। निर्णय ये लिया गया है कि अभी जो है जो भी ब्लाइंड स्पॉट्स हैं हमारे NH पे और शहर का जो अतिक्रमण है उनको आइडेंटिफाई करके उनको ब्लाइंड स्पॉट को हटाया जाए और अतिक्रमण को हटाया जाए, जिससे कि किसी भी प्रकार का व्यवधान जो है वो ट्रैफिक में ना हो और लोगों को जो है दुर्घटनाओं से बचाया जा सके। सर, जैसे देखा जाए ये मेन चौराहा चौक पड़ता है, किच्छा चौराहा, इस पर काफ़ी अतिक्रमण है, जो ठेले हैं और खड़ी हो जाती हैं, उसके पीछे हाईवे पे ही गाड़ी खड़ी करके समाप्त। ठीक है, देखिए इसमें वेंडिंग जोन आइडेंटिफाई कर लिया गया है। वेंडिंग जोन को आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी जो ज़मीन है वो भी नगर पालिका को हैंड ओवर कर दी गई है,
इसमें सभी फर्ड और खोखा व्यापारियों को वहाँ पे जाने के निर्देश दिए गए हैं वेंडिंग जोन में। अगर ये लोग टाइमली शिफ्ट नहीं होते हैं तो फिर इसमें नियमानुसार कार्रवाई करी जाएगी। मैं भी यार बैठने से आ रहा हूँ, कहीं मुझे फोन आया अभी। ड्राइव कर रहा था और एक एक्सीडेंट हो गया और दो डेथ्स हो गई, बड़ी दुखद घटना है। और हम कोशिश करेंगे इस तरह की जो बसें हैं जो अनफिट हैं वो सड़कों पे नहीं होनी चाहिए, और उसके अलावा जो भी घायल हैं उनका इलाज की व्यवस्था हम तत्काल करवा रहे हैं।